Hey guys, welcome back to my channel Sabina Noor Official. तो guys अभी रात का 11 बज रहा है और अभी तक हम जगे हुए हैं. इसलिए जगे हैं क्योंकि आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है. पता नहीं लोग इतने बेशरम आखिर होते क्यों हैं? ये तो आज तक हमको खुद समझ में नहीं आया. जिसके बारे में ये बात किया जा रहा है शायद वो दुनिया का सबसे बेशरम इंसान है. जो भी है जिसके बारे में ये बात हम डायरेक्टली आपके सामने शो नहीं कर सकते बट इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आखिर वो इतना बेशरम कैसे हो सकते हैं. इतना ज्यादा गिरने के बाद, इतना ज्यादा ठोकर टक्कर खाने के बाद भी इतना बेशरम वो कैसे हो सकता है? आप ही बताओ. अगर आप किसी को बार बार समझाते हो आज से मतलब 2.5 साल पहले आप किसी को आपके पास जो भी इंसान है उस इंसान को अगर आप बार बार समझा रहे हो और वो इंसान आपकी बात को बार बार इग्नोर कर रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे? मैं बात कर रही हूँ अपने ही घर के किसी एक मेंबर को लेके कि पता नहीं वो इंसान अपने आप को समझते क्या है, ये हमको भी नहीं पता. आज से दो साल से हम उसको समझा के थक चुके हैं. लास्ट में अब लगता है ना कि कुत्ता का तो हम सुने ही होंगे. उसको समझाने वाला इंसान ही कुत्ता बन गया है. पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं आखिर लोग. खुद तो खुद की मर्जी से हर चीज करना बट सक्सेस ना मिलना. ये करो वो करो सब कुछ अपनी मर्जी से करना बट सक्सेस मिलना ही नहीं, लास्ट में गिर जाना. तो फिर क्या फायदा वैसे काम करने का? आज से 2 साल पहले हम उस इंसान को और आज तक समझा के थक गए हैं. ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, लाइफ में आगे बढ़ो. लेकिन उस इंसान के पास पता नहीं ये है या नहीं है. शायद नहीं होगा तभी तो वो आज तक 2 साल में नहीं समझ पाया उस बात को. तो अभी लगभग 11 बजे गया है और बहुत ज्यादा मेरा खून खोल रहा है कि अगर आप किसी को समझाते हैं और उनको बोलते हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप ही बताओ कि आप उस कंडीशन में क्या करेंगे. बात ये है कि अगर वो इंसान गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ऑफ कोर्स चल रहे हैं, उसको लगता है कि हम बहुत सही हैं, बहुत ज्यादा सही हैं, और ये बात उसको लगता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जितना वो अपने आप को सोच रहे हैं ना वो है नहीं. वो खुद की नजर में है, दुनिया की नजर में नहीं है. इस लास्ट वक्त आप सब के सामने बात करना पड़ रहा है. खुद में गिल्टी, खुद में फील हो रहा है कि आखिर वो इंसान कितना बेशरम है या उसके सामने जो उसको समझा रहा है शायद वही बहुत बेशरम हो. ये बात आज तक उसको समझ में नहीं आया कि जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे रहना है, किस तरीके से किसके साथ बात करना है, किसके साथ पैसा उसके साथ पेस होना है उसकी. बस उसको ये है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, हमको 2 दिन का जिंदगी से मतलब है, आगे का जिंदगी क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है. आज से 2 साल पहले से हम उसको समझा रहे हैं
समझा समझा के पूरा 2 साल निकल गया, लेकिन अभी तक उस इंसान को समझ में नहीं आया। और आज भी हम जहाँ हैं, यहाँ आने के पहले हम उससे सारा कुछ बोले, ये वो जो भी अपना प्रॉब्लम है। वीडियो को अगर आप लोग कंटिन्यू देखेंगे और चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो धीरे धीरे आप सबको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैटर क्या है। जब हम अभी जहाँ हैं वहाँ पे बहुत दिन नहीं हुआ है, एटलीस्ट आए मेरा मतलब बोलिए तो 1 सप्ताह हो ही गया, तो इस इंसान को हम सारा कुछ भूल गया है, ये वो दिस दैट अपना मैटर। लेकिन वो इंसान पता नहीं समझ ही नहीं रहा आखिर उसका इरादा क्या है। आप उनको बोलो ये, वो करेंगे उसका अपोजिट, जो हम और हमको पसंद नहीं है। जिंदगी में कम खाओ, मार भात खाओ, बट सुकून से रहो। बस वो इंसान के अंदर ना सुकून नाम का चीज नहीं। आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी कुछ है, कितना भी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, अगर आप जिंदगी में खा करके सुकून से सो नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए वो सब पूरा नरक है, पूरा नरक है। और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, हम ये सब चीज नहीं मानते। जब आप जिंदगी में खुशी नहीं है तो आपके लिए वो सब कुछ भी मैटर नहीं करता। क्या फायदा 2 दिन का 4 दिन का जिंदगी जीने से। आप ऐसा जिंदगी जियो ना कि अगर आप आज जो अच्छा खाना खा रहे हो तो कल भी अच्छा खाना खाओ। ऐसा नहीं कि आज आप अच्छा खाना खा रहे हैं, कल के डेट में आपको माड़ भात का नसीब भी नहीं हो रहा है। ऐसा जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम तो थक चुके हैं उस इंसान से, हद से ज्यादा थक चुके हैं, समझा के बोल के हर चीज से थक गए हैं। अब लगता है कि हम खुद ही हार मान गए हैं। इसलिए लास्ट में हमको ये वीडियो बनाना पड़ा स्पेशल उसके लिए, जिसके बारे में ये बात कहा जा रहा है कि उस इंसान को हर कोई समझा समझा के मर गया, लेकिन उसके पास ये है ही नहीं। किसी भी तरह से उसके पास ये नहीं है। अगर ये होता तो आज वो इंसान ऐसा कर ही नहीं होता। 11 बज चुका है गाइस, बट हमको नींद नहीं आ रहा। यही सोच सोच के आखिर उस इंसान का थिंक क्या है, क्या सोच रहा है वो, क्या करना है नहीं करना है। देखो जिंदगी 2 दिन का नहीं ना है। मानते हैं कि ऊपर वाला की मर्जी है कि कब ये वो दिस दैट, लेकिन अगर वो गॉड आपको दिए हैं तो उस दिन को उस टाइम को अच्छे से मनोरंजन के साथ बिताओ। तो गाइस हम आप सब से बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जिंदगी को या अपने लाइफ को इस तरह से लेकर के चलो ना कि हर दिन आपके लिए एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि आज यहाँ है तो कल यहाँ, या कल यहाँ है तो आज यहाँ। हर दिन को आप एक जैसे लेकर के चलो ताकि आपको भी अपने लाइफ में कुछ अलग फील ना हो। और मेरा मानना ये है कि अगर जो मेरा बात को नहीं सुनते हैं, हम उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और हम आज तक मतलब गलत डिसीजन दिए ही नहीं है उस इंसान को, हमेशा सही डिसीजन दिए हैं। लेकिन उस इंसान के पास पता नहीं बुद्धि ही नहीं है कि वो मेरी बात सुन ले। हुआ ये है कि वो इंसान बस, अगर अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो रात में रहते हैं, दिन को गोल 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे उसका कॉल आया था, हम कहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम जब कॉल बैक किए तो कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, और शाम हो गया तब भी कॉल नहीं आया, और रात हो गया तो कॉल आ रहा है, बट हम कॉल रिसीव नहीं किए। क्योंकि हमको, अगर हम किसी को समझा रहे हैं ये नहीं करना वो नहीं करना, अच्छे काम करो, अच्छे
बारे में, अच्छे चीज के बारे में सोचूं। अगर कोई मेरा बात नहीं सुनता है ना, तो हमको उस इंसान से बहुत ज्यादा नफरत हो जाता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जिंदगी और ये जेनरेशन ऐसा है ना कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ो ना, तो वो उस चीज को मतलब यहाँ यहाँ बढ़ने का कोशिश नहीं करता हमेशा। यहाँ अगर यहाँ बढ़ने की थिंक रहती ना उसके अंदर, तो आज वो इस कंडीशन में रहते ही नहीं। ये नया जगह है और हम अकेले हैं और काफी ज्यादा डर भी लग रहा है अपने अंदर, लेकिन क्या करें, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, नींद भी नहीं आ रहा है। पता नहीं आज रात को हम सोएंगे या नहीं सोएंगे। तो इसलिए हम आप सबसे बोल रहे हैं कि जिंदगी में ना इस इंसान के जैसा कभी मत बनना, कभी मत, जो आपको अकेला छोड़ दे और आपको समझे ही ना। हम उस इंसान को इतना समझे कि उसके लिए आज हम यहाँ हैं, बट वो मेरे लिए कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो गाइस, वीडियो में ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस आप सबसे यही बोलेंगे कि जो इंसान मेरे पास है ना, जो इस तरह का नेचर दिखा रहा है, अपने आप को सुपर स्मार्ट सुपर हीरो बन रहा है, इसके जैसा कभी मत बनना। अल्टरनेट इंसान जो ना ही लाइफ के बारे में सोचे, ना ही कुछ और सोचे। अभी का जेनरेशन ऐसा है ना कि हर इंसान सोच रहा है कि अपने लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल दे, बट कब, जब आपके पास पैसे रहेंगे। तो पैसे कहाँ से आएंगे, आप उसके लिए अर्निंग के लिए सोचेंगे तभी तो आएंगे, बट उसको कुछ नहीं, बस आज चल रहा है, कल चल रहा है, परसों चलेगा, बस। हर कोई चाहता है कि अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय करके हर एक चीज को मतलब अपने लाइफ में लाएं। मतलब सबका अपना अपना ड्रीम होता है, बट ड्रीम कंप्लीट करने के लिए पहले अपने लाइफ में अर्निंग का प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अर्निंग का प्रोसेस तो है नहीं, बट पूछो मत उसके बारे में। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इंसान के जैसा कभी मत बनना, बस। अगर तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो सोचे चलो बक 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 करते हैं आप सबके साथ। पता नहीं आप सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। अगर आप किसी को समझाते हो, बोलते हो, और वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन। उससे बढ़िया है कि हम अपना जिंदगी को अकेले जी के अकेले बिता लेंगे, वो हमको मंजूर है, बट ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं।